Hi guys, here is Shahzad Ahmed from shakezi.com and welcome in lecture number 45. आज हम जो है अपना डेट फंक्शंस के बारे में देखते हैं कि हम टाइम एंड डेट को कैसे मैनेज करते हैं यूजिंग पीएचपी. आपको पता है कि हम जो है पीएचपी पे काम कर रहे हैं एंड दैट्स व्हाई जब आप पीएचपी पे काम कर रहे हैं तो मेक श्योर आपका सर्वर ज़रूर ऑन होना चाहिए. मेरे पास अपना फोल्डर जो एच टी डॉक्स में रखा हुआ है, मैंने पीएचपी 4 के नाम से रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो हम अपनी जितनी भी फाइल्स बना रहे हैं वहाँ पे बना रहे हैं. एंड आपको पता है कि इंडेक्स डॉट पी एच पी की मेरे पास एक फाइल बनी हुई है जिस पे हम काम कर रहे हैं. तो सबसे पहले जो है हम देखने जा रहे हैं कि टाइम एंड डेट है क्या. तो हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है एंड हम कैसे मैनेज कर सकते हैं दोनों को. आप देख सकते हैं कि मेरे पास करंट टाइम है जो है 10:56 AM है मेरे पास वो करंट टाइम. एंड आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2/3/2015 मेरे पास डेट अवेलेबल है. तो हम देखते हैं कि हम यूज़ कैसे कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले जो है हम डेट का हमारे पास फंक्शन है. ठीक है, आप जैसे ही इसे एको करेंगे डेट को तो आपको ये एरर दे देगा बिकॉज ये कहेगा कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन डेट. ठीक है, देन आप हम जब हम टाइम की बात करते हैं तो जैसे ही हम एश देते हैं इसे TATE. ठीक है, हमारे पास फंक्शन है. आप जैसे ही विदाउट जो है वो पैरामीटर के देंगे तो वार्निंग डेट एक्सपेक्टेड एट लीस्ट वन पैरामीटर्स. ठीक है, वो एट लीस्ट वन पैरामीटर जरूर लेगा बिकॉज आपको पता चल जाएगा अभी कि वो क्यों लेता है. ठीक है, जब हम टाइम की बात करते हैं तो आप टाइम को जो है वो कैसे मैनेज करेंगे यूजिंग फॉर इंस्टेंस एक पर्टिकुलर जो है यूजर आप स्टेटस अपडेट कर रहा है, एंट्रीज कर रहा है, लॉग इन हो रहा है, साइन अप हो रहा है, वट एवर जो भी हो रहा है, तो वो आप टाइम भी आपने सेव करवाना है, जाहिर सी बात है. तो उसके लिए आपको डेट फंक्शन यूज़ करना होगा. ठीक है, एंड डेट फंक्शन जो है कुछ पैरामीटर्स जो है वो पास करवाते हैं डेट फंक्शन के अंदर. फिलहाल हम टाइम के बारे में देखते हैं कि टाइम सबसे पहले हमारे पास हावर्स एच हम देंगे. एच मीन्स हम हावर. ठीक है, सबसे पहले जो है हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा. जब हम टाइम की बात करते हैं तो एच हावर्स को रिप्रेजेंट करता है, आई मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है, एस सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, ए ऐसे ही है जैसे पी एम ए एम को रिप्रेजेंट करता है. आपको आपको जो है कैसे पता चलेगा सुबह है या शाम है. ठीक है, तो ऐसे ही हम डेट पे काम करते हैं. डेट आपको जो भी चाहिए, ईयर वाई से जो है ईयर है आपका. ठीक है, देन एम से आपका मंथ है, डी से आपका डेज है. ठीक है, आप एल से जो है एक आई है जो है वो कैपिटल आई है, उसे आप देख सकते हैं कि हम क्या करने वाले हैं. ठीक है, तो ये सारा जो है हम देखेंगे आज के लेक्चर में. ऐसे ऐसे हम करते हैं क्लोज, देन हम साइब नहीं करवाते. ठीक है, सबसे पहले हम जो है एको करवाते हैं, पूछते हैं कि आज डेट एंड हमें आज का जो है आवर्स बताएं, आज क्या हो रहा है आवर्स 6. अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 11 बजने वाले हैं. ठीक है, 10:59 हो रहे हैं एंड यहाँ पे मेरे पास 6 हैं. मेक श्योर जो ये फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो सर्वर की वैल्यू होगी. आपको पता है कि मेरे पास यहाँ पे सर्वर रन हो रहा है एंड पीएचपी स्क्रिप्टिंग टाइप लैंग्वेज है जो है सर्वर साइड लैंग्वेज है. तो ये है हमारे पास जो है करंट जो आपका सर्वर है वो उसी का ही टाइम आपको बताएगा एंड उसी की डेट आपको बताएगा. दैट्स वाई मेरे पास यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है. परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं अपना जो है सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर करूँगा एंड देन आपको जो है पता चल जाएगा कि आप जो है काम करेंगे तो आपको पता है कि आप जो है सर्वर की सेटिंग्स में जाएंगे एंड वहाँ से अपना जो है टाइम स्टैम्प वगैरह जो है आप वो सेव कर सकते हैं. ठीक है, बहरहाल ये है कि एच से आपका हावर्स बता रहा है एंड अगर आप जो मिनट्स जो है जानना चाहते हैं आई लिखेंगे आप. ठीक है, तो वो आपको मिनट्स बताएगा. ठीक है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे फिलहाल जो है 00 है, पूरे 11 बज रहे हैं तो यहाँ पे मिनट्स. ठीक है, एंड देन आपको जो है सेकेंड्स एच से बताएगा वो. ठीक है, 22 सेकेंड्स. आप जैसे ही रिफ्रेश करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सेकेंड्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं. ठीक है, तो एक तो यह है कि आप एटलीस्ट वन पैरामीटर वो इसी वजह से लेता है. ठीक है, अदरवाइज अगर आपको जो है आवर्स चाहिए, ठीक है, एंड देन आप स्लैश देते हैं. ठीक है, एंड देन आप लिखते हैं जो है सेकेंड्स, वो जो है मिनट्स, देन आप सेकेंड्स लिखते हैं.
ठीक है, तो आप जो है स्लैश भी दे सकते हैं, स्लैश से ये होगा कि वो डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लैश 7, ठीक है, एंड देन 53। हम जैसे ही रिफ्रेश करते हैं आप देख सकते हैं कि हमारे जो है सेकंड्स भी चल रहे हैं एंड जो है मिनट्स भी चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 1 है, 11:01 हो रहा है, एंड मेरा सर्वर जो है वो मुझे ये रिटर्न कर रहा है कि 7:00। ठीक है, अगर आपने जो है AM या PM का देखना है तो आप जस्ट जो है ए देंगे तो वो आपको AM या PM बताएगा। ठीक है, तो AM जो है हो रहे हैं मेरे पास। ठीक है, तो आप जो है डेट का फंक्शन ऐसे यूज कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद में हमारे पास आते हैं क्या, सॉरी, आप जो है ऐसे जो है टाइम ऐसे मैनेज करेंगे, देन आपका आता है जो है डेट। ठीक है, करंटली अगर आप ईयर मालूम करना चाहते हैं तो वाई देंगे, 1 पैरामीटर आपको वो ईयर बताएगा। ठीक है, एंड देन अगर आपको मंथ देखना है तो वो एम देंगे आपको, तो वो मंथ बताएगा। आप देख सकते हैं कि ईयर 2015 है, तो यहाँ देखेंगे आप 2015। ठीक है, एंड फेब्रवरी 3 फेब्रवरी है हमारे पास। ठीक है, एंड देन हम जो है मंथ पूछते हैं उससे कि मंथ आप हमें बताएं, तो आप देख सकते हैं कि 2 फेब्रवरी। ठीक है, बिकॉज दूसरा मंथ होता है फेब्रवरी। एंड देन हम उसे बताते हैं कि डे क्या है आज। ठीक है, तो वो हमें डे बताएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 3rd फेब्रवरी है आज। तो आप ऐसे भी जो है वो मैनेज करेंगे, या फॉर इंस्टेंस आपको चाहिए कि ईयर भी आपको बताए एंड देन जो है मंथ भी आपको बताए एंड डेज भी आपको बताए, तो रिफ्रेश करेंगे आपको वो डेज भी बताएगा। या तो आप स्लैश दे दें या कॉलम्स में जो है अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो कॉलम्स में बता देगा आपको, या आप जो है डॉट आप लगाएंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा आपको। ठीक है, तो आप जो है ऐसे ही जो है मिनट्स उसमें जो है जैसे ही आप टाइम यूज़ करेंगे तो आप डॉट लगाएं, स्लैश लगाएं, वॉट एवर जो भी लगाएं, बिकॉज आपको पता है कि ये सिंगल जो है कोटेशन है उसके अंदर हम दे रहे हैं। ठीक है, तो चीज़ें आप जैसे चाहें जो है वो मैनेज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपके पास जो है वो फुटर के अंदर आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो कॉपीराइट्स होते हैं, एंड आपको हम यहाँ पे आते हैं, हम एक जो है पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक है, एंड देन उस पैराग्राफ में हम कॉपी लिखते हैं। ठीक है, हम वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कॉपीराइट का जो है आइकन बन के आ चुका है। ठीक है, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, हम 2000 देते हैं। हम चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली ही हमेशा जो है मैनेज रहे, हमें बार बार चेंज करने की ज़रूरत ना हो, या एक तो ये कि आप डेटाबेस से चीज़ें रिट्रीव करवाएं, या आप जो है एक फंक्शन लिखें, वाट एवर छोटी सी एक ट्रिक है कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप PHP स्टार्ट करेंगे एंड देन जो है PHP क्लोज करेंगे। ठीक है, हम एको करवाएंगे, डेट फंक्शन आप लिखेंगे, देन आपको पता है कि 1 पैरामीटर लेता है, आप वाई लगाएंगे, एंड जैसे ही आप वापस जाएंगे हम जो है इस स्क्रिप्ट को हटाते हैं। ठीक है, हम जैसे ही वापस जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि करंटली हमने यहाँ पे HTML में लिखा यही है कि जो है 20। ठीक है, लेकिन वो ईयर यहाँ से ले रहा है कि 2015 चल रहा है। ठीक है, तो आप चीज़ें जैसे चाहें मैनेज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप PHP की फाइल में जो है आप HTML कॉल नहीं करवा सकते, बिल्कुल आप करवा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जो है PHP हम आप जहाँ से चाहें स्टार्ट करवा सकते हैं, जहाँ से चाहें आप नहीं करवा सकते। ठीक है, फिलहाल जो है ये मैं H1 बना देता हूँ, फॉर इंस्टेंस H1 हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ आने के बाद एक तो ये है कि आप लिखें वेलकम, ठीक है, तो ये आपका वेलकम एज इट इज़ शो होगा। एक ये है कि आप फॉर इंस्टेंस डेटाबेस से वैल्यू जो है रिट्रीव करवा रहे हैं, तो यहाँ पे आएंगे आप जस्ट जो है एको लिखेंगे फॉर इंस्टेंस, एंड एको लिखने के बाद वेलकम इन PHP। ठीक है, तो आप जैसे चाहें जो है वो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, या आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड आपके फीडबैक्स हमें मिल रहे हैं, हमें बहुत जो है अच्छा फील हो रहा है, बिकॉज आप हमें फीडबैक दे रहे हैं एंड हमें फीडबैक ऐसे ही देते रहें ताकि हमें पता चले कि हमारा काम कैसे जा रहा है, एंड आप जो है वो कैसे आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।